हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी हम जा रहे हैं कुनिहार और वहाँ पर आएंगे हमारे CM जयराम ठाकुर जी। तो यहाँ पर मेरे देखिए घास को गई थी और यहाँ पे चोट लगी है। तो हम जाएंगे 7:30 वाली बस में जो यहाँ पे आती है हमारे लिंक रोड तक। तो मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं यहाँ से, और लेट जे जा रही है गांव से, स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं। तो सभी तो नहीं जाएगी पर हम जाएंगी एक गांव से 10 लेट जे। तो यहाँ से जाएंगे बस में घनागू तक और वहाँ से जाएगी स्पेशल बस वहाँ तक। तो चलिए चलते हैं और बस आ गई। पहुंच चुके हैं घनागू घाट के डैम के पास और यहां से ये बस चली गई शिमला के लिए और हम जाएंगे दूसरी बस में जो स्पेशल वहां तक जाएगी जहां पे हम जा रहे हैं। तो हम डैम के पास वेट कर रहे हैं बस का सभी लेडजे और यहां पर थोड़ी देर गप्पे भी मार रहे थे। तो ये है डैम और आजकल ये भर चुका है। पीछे पानी पूरा ही सूख गया था यहाँ का, पर आजकल पूरी तरह से भर चुका है और यहाँ पे बस आ गई हमारी जिसमें हम जाएंगे। तो यहाँ से एक सड़क जाती है शिमला के लिए और एक जाती है बनिया देवी के लिए और एक जाती है घनागू घाट से होकर के आगे मिलती है जहाँ पर हम चंडीगढ़ बोलते हैं। तो ये थी हमारे गांव की लड़के और कुछ आगे से बैठेंगे घनागू से, क्योंकि घनागू का ये दिया था इन्होंने कि वहाँ पर सभी ने वहाँ से बैठना बस में। तो ये हमारे गांव की है, पीछे चाची जी दीदी और लड़के भी है और ये है घनागू घाट का स्कूल। तो आपको मैं अपने पहाड़ों का नज़ारा दिखाती हूँ
और आगे ये यहाँ पर हमारी पंचायत भी है। यहाँ की वीडियो तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर करी है। और देखिए यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर बहुत ही प्यारा है, और मंदिर के साथ में फूल ही फूल है यहाँ पर देखिए। तो अभी सुबह का टाइम है 8 बजे का, तो जाते जाते बस बिल्कुल भरी हो गई थी, बहुत लोग बैठे यहाँ से भी गनागू से भी। तो ये है हमारी पंचायत ऊपर, और साथ में है यहाँ पर पटवारखाना जो ये नीचे है। तो अब मैं आपके साथ अपने पहाड़ों का व्यू भी शेयर कर लेती हूँ। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बस में, एक दीदी है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो बोलते हैं हर बार कि आप गोली खा लिया करो। घर से ऐसे ही आ गई जल्दी जल्दी में, खाना भी नहीं खाया और काम करा घर में, और बस छूटने वाली थी तो जल्दी जल्दी में आ गए। एक गांव के दीदी थे उनके पास मिली गोली, तो बस मैं ही खाई, पर फिर उसका ये नहीं हुआ। बोलते हैं पहले एक आधा घंटा पहले खानी पड़ती है। तो मेरी बस में तबीयत ख़राब हो गई थी, ऐसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बादल और हमारी पहाड़ियाँ हरी भरी। हम पहुंच चुके हैं कुनिहार में, और यहाँ पर सभी उतर गए बस से, तो जो जो नहीं मिले थे वो आपस में मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। और हमारे को बोला था कि अपनी बस का नंबर याद रखना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये वीडियो भी ले ली क्योंकि भूल जाते हैं। और अब चल पड़े सभी जहाँ पर है प्रोग्राम। तो देखिए कितने ज़्यादा लोग थे, चारों तरफ से लोग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये है गेट यहाँ से लगा हुआ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड करी। सभी अपने अपने झुंडों में चले हुए थे क्योंकि इतनी भीड़ के बीच में ऐसे भी डर रहता है कि ऐसा ना हो कहीं एक दूसरा बिछड़ जाए। और ये मंदिर है यहाँ पर, पता नहीं कौन सा मंदिर है। यहाँ से नीचे को जा रहे थे और ये नीचे ग्राउंड में था पूरा, यहाँ पर रेजिमेंट किया हुआ। तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पर, हम गए तब तो इतना ये नहीं था, पर बाद में भी बहुत ज़्यादा लोग आए और यहाँ पर चेक कर रहे थे पुलिस वाले। तो देखिए अभी पंडाल, तो हम फिर से आए पानी लेने यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमारे को ऐसी गर्मी में रहने की आदत नहीं है, हमारे पहाड़ों में 12 महीने ठंडा ठंडा मौसम होता है, तो हमारे को प्यास भी लगी थी और धूप भी तेज़ लगी थी, तो हम पानी लेने आ गए थे। और जितने को हम 5-10 मिनट के बाद अपनी जगह पर गए, उतने को देखिए पंडाल पूरी तरह से भर चुका है।
पर जितने को हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे उतने को यहाँ पर गाने गाए जा रहे थे और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए जा रहे थे। तो एक मैं आपके साथ गाना हिमाचली नहीं HP ब्लॉगर लता के नाम से है चैनल, उसमें शेयर करूँगी और बाकी आगे भी और क्लिपें बची है तो उनको भी आपके साथ कल शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कितनी जनता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, तो राम राम, जय माता दी एक बार फिर से।